उसका पोस्टिंग होता रहता है, राइट। तो ईश्वरन हमारा यहां पे मेन कैरेक्टर है। ईश्वरन को लेके हम लोग क्या करते हैं ना, ईश्वरन को लेके यहां पे स्टोरी है। तो महेंद्र का जॉब है डिफरेंट साइट्स पे जाना, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स के देखभाल करना, वहां पे जाके वर्कर्स को मेंटेन करना, और उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है जैसे हेड ऑफिस ऑर्डर देता है। कभी कभी कोल माइनिंग एरिया में जाता है, कभी कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शंस में जाता है। और कुछ महीने पहले वो एक केमिकल प्लांट तैयार हो रहा था, तो वहां पे उसका ड्यूटी गिरा। ओके, तो वो एक बैचलर था, ही वॉज अ बैचलर, ही नीड्स वर वेरी सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन। तो जितने भी ऑड कंडीशन थे, उस ऑड कंडीशन के साथ वो अपने आप को अच्छी तरीके से मिला के चल सकते थे। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent, तो हाथ के बनाया हुआ जो तंबू होता है वो तंबू भी हो सकते हैं, या कोई भी सर्किट हाउस में कभी उसको रहने देते थे। मगर उसके पास एक बहुत बड़ा एसेट था, उसका कुक ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। तो बिना कंप्लेन किए ये कुक महेंद्र के साथ घूमता रहता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ, चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। तो महेंद्र के पास कोई टीवी नहीं था, तो ईश्वरन उसके लिए एक टीवी का काम करता था। ईश्वरन उसके लिए एक टीवी का काम करता था। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ईश्वरन महेंद्र का कपड़ा धोना, खाना बनाना, सारा चीज वो करता था, और रात को बैठ के उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टोरी भी सुनाता था, राइट। तो ईश्वरन के पास एक अमेजिंग कैपेसिटी था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट सीमिंग आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ डिसोल्यूट लैंड स्पेस with no shops visible for miles around. तो actually ये construction sites जहाँ पे होते हैं वहां से आपका market बहुत दूर होते हैं, तो ईश्वरन के पास वो capacity था कि वो उस जगह पे भी कुछ कुछ vegetables को उगा सकते थे। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो क्या बोल रहा है ना महेंद्र गणेश को बता रहा है कि ईश्वरन जो उसका कुक है, जो कुक था, तो जब भी वो एक नया लोकेशन में शिफ्ट हुआ तो वहां पे वो वेजिटेबल्स और अदर इंग्रेडिएंट्स जो खाना बनाने के लिए लगते हैं वो सारा चीज वो अपने तरीके से जुगाड़ कर लेता है। एज दे लिव्ड एट प्लेसेस which was not inhabited by many people. तो temporary shelters होते थे, रूम पे metallic sheet से छत बनाया गया है। And it seemed as he would do some magic and gather all the ingredients out of nowhere. और कुछ भी तरीके से वो सारे चीजों को जुगाड़ कर लेता था। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast. तो breakfast करने के बाद महेंद्र अपने काम के लिए निकल जाता है। Carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the sheet, wash the cloth, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller, running to hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourish would hold Ishwaran in thrill. तो महेंद्र ये पैरा का रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो महेंद्र सुबह सुबह उठ के अपना नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल जाता था और अपने साथ आपका लंच भी कैरी करके ले जाता था। ईश्वरन उसके बाद महेंद्र चले जाने के बाद ईश्वरन का काम होता था जहां पे वो लोग रहते थे उस जगह को साफ सुथरा करना, कपड़े धोना और एक अच्छा सा अच्छा करके नहाना। वो बहुत सारा
पानी इस्तेमाल करता था नहाने के लिए, और नहाने के समय वो आहिस्ता आहिस्ता एक मंत्र जिसको हम लोग प्रेयर बोलते हैं, उसके लंच के बाद, वो लंच करने के बाद वो अपने फेवरेट तमिल बुक को लेके बैठ जाता था जो तमिल लैंग्वेज में था, और उसको वो पढ़ता रहता था, उसके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ता रहता था, और उसके बाद वो सो जाता था। उसके जो भी डिस्क्रिप्शंस, हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, तो उसके जो डिस्क्रिप्शंस थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते थे, किससे, ना तमिल ऑथर्स से। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out a dramatic gesture. So, यहाँ पे जो पार्ट बताने का कोशिश कर रहा है कि उसके जो डिस्क्रिप्शन होते थे वो तमिल ऑथर्स से आते थे, और वो नैरेट करते थे छोटे छोटे इंसिडेंट्स को। He would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो वो सस्पेंस में काम करता था, तो उसको सस्पेंशियल स्टोरी अच्छा लगता था जो कि एंड होगा एक सरप्राइज। तो वो एक बार बात कर रहा है, he had come across an uprooted tree. Uprooted tree का मतलब है जो पेड़ उखड़ गया है, हाईवे में एक पेड़ उखड़ गया है, और इसको बोलने का जो अंदाज था, उस बोलने का अंदाज को सभी लोग समझते थे, और महेंद्र को बहुत ज्यादा पसंद था। उसके जो आईब्रोज होते थे और जो हाथ होते थे, वो आईब्रोज और हाथ एक दूसरे के साथ मिलते थे समझाने का समय। द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was fallen tree with the dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in the canvas chair and listen to the Ishwaran tales uncritically. तो ईश्वरन एक स्टोरी रीड किया है और उस स्टोरी को महेंद्र को सुना रहा है। महेंद्र कलेक्ट किया है, एक स्मॉल इंसिडेंट के बारे में बोल रहा है जहां पे सस्पेंस और सरप्राइज दोनों मिले हुए हैं, और ये सुनने वाले के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। वो एग्जाम्पल देते हैं, तो instead of saying that he was walking down the highway, he came across a tree which had broken and had fallen on the road. तो ये जो पार्ट है, एक ट्री हाईवे के पास पड़ा हुआ है, हाईवे के पास पड़ा हुआ है, और इसे बताने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो, जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो बताता है, वो बहुत ही अलग तरीके का था, वो बहुत ही अलग तरीके का था। नाउ उसका जो बॉडी गेस्चर्स था, उसका जो फेस का एक्सप्रेशन था, वो सचमुच थोड़ा अलग तरीके का था, और इसके कारण से वो एक सस्पेंस क्रिएट करता था और लोगों के अंदर वो एक सस्पेंस क्रिएट कर देता था। नाउ तो एक दिन उसने कहा कि एक बहुत बड़ा पेड़ रस्ते में पड़ा हुआ था। As he walked ahead, his mind was telling to turn and go back. As he reached closer, तो जब वो उसके पास पहुंचा, उसके दिमाग ने कहा कि आगे मत जाओ और वापस चले जाओ, क्योंकि एक बड़ा सा ट्री रस्ते में गिरा हुआ था जिसके ब्रांचेस एक दानव की तरह था। महेंद्र says that his talent of ईश्वर, कि एक सिंपल स्टोरी को वो इतने अच्छी तरीके से बना के लोगों को सुनाता था, इसके कारण से महेंद्र उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ओके, नाउ
although he knew that some of the stories were not true, Mahendra janta tha ki isme se aadha story sach nahi hai, but jis tarike se wo sunata tha Mahendra ko acha lagta tha sunne mein, kyunki Mahendra ke paas koi tv nahi tha, to Ishwaran hi uske liye ek tv tha. तो नेक्स्ट पैरा में हम लोग चलते हैं जहां पे बता रहा है द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. ईश्वरन बता रहा है कि जिस जगह से मैं आया हूं वो जगह टिम्बर के लिए बहुत ही मशहूर था. ईश्वरन वुड बिगिन दिस इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. तो उसके चारों ओर आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट थे और उस फॉरेस्ट में एलिफेंट्स आते. तो एलिफेंट्स का काम क्या था, ना लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना. दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट. व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहूत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम. तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस माहूत थे, जो लोग एक्चुअली कंट्रोल करते हैं एलिफेंट्स को, उनको माहूत कहते हैं. So they are huge, well-fed beast. When they turn wild, even the most experienced mount is not able to control them. जब ये बिगड़ जाते थे ये हाथी, तो इनको जो उनके trained माहूत होते थे, जिनको control करते थे, वो भी उनको काबू में नहीं कर पाते थे. तो एक story इसी elephant को लेके involve हुआ है. एक दिन एक tusker मतलब क्या बोल सकते हैं, एक एलिफेंट फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. तो टिम्बर यार्ड मतलब है जहां पे लकड़ी का गोदाम है. उस लकड़ी का गोदाम से एक एलिफेंट बिगन टू रोम अबाउट स्टैंपिंग ऑन बुशेस टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल. तो ये जो एलिफेंट है ये थोड़ा पागल हो गया है और ये अपने पैरों तले बहुत सारे पेड़ों को रौंद रहा है, जितने भी ब्रांचेस थे उनको उखाड़ के फेंक रहा है. ईश्वरन ने कहा यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. कि आप जानते हैं जब एक एलिफेंट एक हाथी पागल हो जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट stamping his feet in emulation of the mad elephant. और उसके पास जो भी आता था वो अपने पैरों से उसको हिट करता था. तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल हिंदी में इसको कन्वर्ट करूं तो एक दिन एक एलिफेंट उस लकड़ी के गोदाम में काम कर रहा था, काम करते करते अचानक वो फॉरेस्ट की तरफ रुख मोड़ लिया और उसके सामने जो कुछ भी आया उसको क्रश करते हुए वो आगे बढ़ रहा था. क्रीपर प्लांट्स को, ब्रांचेस को तोड़ मड़ोर के आगे बढ़ रहा था. ईश्वरन आस्क्स महेंद्र वेदर ही न्यू हाउ ए मैड एलिफेंट बिहेव. क्या वो जानता है एक पागल हाथी कैसे बिहेव करता है. इन ऑर्डर टू मेक हिज स्टोरी मोर इफेक्टिव, इस और भी अच्छी तरीके से स्टोरी को बनाने के लिए कभी कभी ईश्वरन खड़ा हो जाता था और एक जगह से दूसरे जगह कूदता था और दिखाता था कि किस तरीके से उस हाथी का एक्शंस को. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन. आउटस्कर्ट का मतलब है आउटर एरिया, गांव का जो आउटर एरिया है उसको हम लोग आउटस्कर्ट्स बोलते हैं. फेंसेस मतलब जहां पे आप जो लकड़ी का बैरियर देते हैं उसको फेंसेस बोलते हैं. और उस फेंसेस को हाथी एक मैच स्टिक्स की तरह तोड़ दे रहा है. एंड ही वुड कंटिन्यू और वो मेन रोड्स में सारे दुकानों को, सारे फ्रूट सेलर्स को स्मैश करते हुए, जितने भी मिट्टी के बर्तन के दुकान थे उनको तोड़ते मरोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहा था. पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक. तो लोग इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहे थे. अब ये हाथी एंटर किया एक स्कूल ग्राउंड में जहां पे बच्चे खेल रहे थे. उसने उस दीवार को भी तोड़ दिया. सब बच्चे डर के मारे क्लासरूम के अंदर चले गए और दरवाजा को बंद कर दिया. और ये दानव जैसा हाथी वो सारे फुटबॉल ग्राउंड पे घूम रहा था. ग्राउंड में जो फुटबॉल पोस्ट था उसको उखाड़ के फेंक दिया. इसके अलावा वॉलीबॉल का जो नेट था उस नेट को
टोड अप, इसका मतलब है तोड़ दिया, टियरिंग अप, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर। तो जो ड्रम था, एक पानी पीने का ड्रम था, उसको लात मार के गिरा दिया। कुछ छोटे छोटे पेड़ थे, उनको अपरूट, अपरूट का मतलब है उखाड़ देना। तो मीनवाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, सारे टीचर्स छत पे चले गए, स्कूल बिल्डिंग पे छत पे चले गए हैं। फ्रॉम दैट हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। तो डिप्रेडेशन का मतलब हुआ अटैक करना, कोई चीज जब आपको अटैक करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं डिप्रेडेशन। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे कोई नहीं था, पूरा स्ट्रीट्स एम्प्टी था। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, तो जैसे लग रहा था सारे सारे जो लोग हैं वो डिसअपीयर्ड हो गए हैं, कोई कहीं पे नहीं है, सारे लोग छुप गए हैं। ये रहा उस हाथी का पिक्चर। मैं तब जूनियर क्लास में पढ़ रहा था एट दैट टाइम, और पूरा ड्रामा को मैं छत से देख रहा था। ईश्वरन बता रहा है, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एक छड़ी को पकड़ा, आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स वन ऑफ माई टीचर, तो एक टीचर के हाथ से मैंने एक छड़ी को पकड़ा, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इन टू द ओपन, और सीढ़ियों से नीचे आ गया, सीढ़ियों से नीचे आके खुले में चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेंसिंगली स्लंग अ ब्रांच ऑफ ट्री विच इज हेल्ड इन हिज ट्रंक, तो उसके ट्रंक में एक ब्रांच था, उस ब्रांच को उसने मेरे तरफ फेंका। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मर्ड एंड डस्ट, और जब उसने पैर पटका तो बहुत सारा धूल उड़ा। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, मेरे को डर लगने लगा था, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव किया उस स्टिक को लेके हाथ में। सब लोग मेरे को देख रहे थे, हाइपोटोनाइज्ड, हाइपोटोनाइज्ड मतलब है टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और वो आग बबूला होके मेरे तरफ देख रहा था, जैसे लग रहा था कि वो मुझे कुचल देगा। इट लिफ्टेड इट स्ट्रॉन्ग एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने अपना सुर उठाया और जोर से चिल्लाया। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, और उस समय मैं आगे बढ़ा अपने सारे साहस को एकत्रित करके। वेट इट थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और एलिफेंट का पैर का जो नाखून है उस नाखून में मैंने अपने छड़ी से दे मारा, और जैसे ही मारा मैंने वो कांपते हुए नीचे गिर गया, और वहीं पे वो कोलैप्स कर गया, मतलब बेहोश हो गया। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को इतने अच्छी तरीके से वो बता रहा था कि महेंद्र भी सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बोलने का जो अंदाज है वो मैटर करता है कि आप स्टोरी को कैसे इलाबोरेट कर रहे हैं। स्टोरी को बोलने का अंदाज यहाँ पे एक मैटर कर रहा था, और किस तरीके से आप स्टोरी को इलाबोरेट करते हैं उसी पार्ट का हाइलाइटेशन किया गया है। ओके गाइस, 2:19 बाकी है, तो इस चैप्टर को हम लोग मंडे पूरा कर पाएंगे। ओके, आज तो पूरा नहीं होगा। अच्छा, जितना भी पढ़ा है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए।